मूवी की शुरुआत होती है वेनिस से, जहाँ एक नीलामी घर में काफी कीमती चीजों की नीलामी होने वाली थी, इसलिए बड़े बड़े अमीर लोग मास्क पहनकर यहाँ बैठे हुए थे। यहीं पर हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम था साइरस। वो काफी स्मार्ट था और एक बार फिर यहाँ अपने साथियों के साथ चोरी का प्लान कर चुका था। यहाँ हमें साइरस की टीम के बारे में बताया जाता है, जिसमें सबसे पहले टॉप पर वो खुद था, फिर थी पायलट लड़की, एक था लॉक मास्टर जो हर तरह के मुश्किल लॉक्स को आसानी से तोड़ देता था, एक लड़की हैकर थी और एक लड़का था इंजीनियर। एक बड़ी उम्र का आदमी भी होता है जो सब चोरियों में उनकी मदद करता था। इस वक्त वो साइरस के साथ नीलामी वाले घर में आए हुए थे। यहाँ हर जगह पर कैमरास लगे हुए थे, जिन पर पुलिस की नजर थी, और सबसे सीनियर ऑफिसर का नाम एबी होता है। काफी वक्त पहले वो साइरस से मिली थी, इनकी दोस्ती हो गई थी, पर जब एबी को पता चला कि वो कितना बड़ा चोर है, तो एक मिशन पर इसने साइरस को पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो क्योंकि काफी चालाक था इसलिए भाग गया। लेकिन इस बार एबी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार थी कि जैसे साइरस चोरी करेगा, ये उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। और अब नीलामी शुरू हो गई थी। सबसे पहले एक काफी महंगी पेंटिंग को लाया गया, जिसकी एक के बाद एक बोली लगने लगती है, लेकिन आखिर में वो 2 करोड़ रुपए की बिक जाती है। मगर ये चोर साइरस और उसके साथी जो पहले ही इस ताड़ में बैठे हुए थे, ये उस पेंटिंग को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही चोरी कर लेते हैं और उसे ब्लैक मार्केट में उसी दाम यानी 2 करोड़ में बेच भी देते हैं। जिसके बाद बारी आती है सबसे खास किस्म की चीज की, ये जिसका नाम था NFT। और क्योंकि इसको बनाने वाला क्रिएटर अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। इस NFT में तकरीबन 200 कैमराज लगे हुए थे, जो वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी वीडियो एडिट करके देते थे। अब इसकी नीलामी शुरू हुई 1.5 से 2 करोड़ के बीच। तभी यहाँ हैकर अपना काम करती है, वो एक बटन दबाकर लिफ्ट बोलती है। ऐसा होते ही वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो गई थी, वहाँ धमाके होने लगते हैं, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब यहाँ अमीर लोग भागने का सोच रहे थे, तो यहाँ साइरस अपना काम करता है। जो 2.5 करोड़ की बोली लगी थी, वो खुद साइरस ने लगाई थी, इसलिए वो अब NFT के क्रिएटर के पास आया और कहता है कि आप मेरे ठिकाने पर ही आ जाओ, NFT भी वहीं ले ली जाएगी और पैसे भी हम वहीं दे देंगे। अब ये सारी चीजें ऊपर बैठी एबी देख रही थी, पर साइरस और उसकी टीम जो यहाँ से भाग रही थी, उनके पीछे पीछे एबी और उसकी टीम पड़ जाती है। वो खास किस्म की बोट स्पीड बोट में बैठ जाते हैं। पुलिस को चकमा देकर समुद्र के बीच में वो आ गए थे, इन्होंने बैरियर्स खड़े कर दिए थे, जिससे पुलिस पीछे अटक गई और ये लोग वहां से आसानी से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने ठिकाने यानी उस शिप में पहुंचते हैं, जहां ये NFT के लेन देन के बाद पार्टी करते हैं। जो एबी जो अभी भी छानबीन कर रही थी, वो नीलामी में आए लोगों की वीडियो बड़े गौर से देख रही थी। उसकी नजर साइरस के साथ खड़े उसके हेल्पर पर गई, जो अभी भी वहीं पर था, इसलिए ये लोग उस तक पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर पता चला कि इन चोरों ने जब NFT की चोरी की, तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ती चली गई, 3 से 4, 4 से 5 और फिर 8 करोड़ रुपए हो गई। पर उसे एक्टिवेट करने के लिए इसके असल मालिक की जरूरत थी, इसलिए ये उस क्रिएटर को भी उठाकर ले आए थे। साइरस उससे बात करता है और कहने लगता है कि तुम्हारा NFT मार्केट में तो 3 करोड़ का बिकना था, वो अब चोरी होने की वजह से ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ रुपए का बिकेगा। तुम्हें लगता है हमने तुम्हें ऐसे अगवा किया? नहीं, बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर आधा मुनाफा हम तुम्हें भी देंगे, इससे तुम्हारा हमारा दोनों का फायदा हो जाएगा, तो टेंशन ना लो और जम के पार्टी करो। साइरस की टीम का हेल्पर एबी के सामने बैठा हुआ था और सभी सवालों के उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। एबी कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी और सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ले आऊंगी, बेहतर होगा कि तुम अपनी टीम के बारे में हमें सब कुछ बता दो। तभी हेल्पर कहता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है, अगर उन्हें पकड़ना है तो मेरे साथ वहां जाना होगा। इसलिए एबी अब अपने साथियों के साथ लंदन के पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर से होती है। वो उसे बताता है कि मुझे खुफिया तरीके से पता चला है कि सबसे बड़ा माफिया, जिसका नाम लॉर्ड्स है, उसने हाल ही में मार्केट के शेयर्स के साथ हेराफेरी की है, जिससे कीमतें ऊपर नीचे होने की वजह से उसे बहुत मुनाफा हुआ है। मगर इस मुनाफे की वजह मार्केट या चीजों की कीमतों में उलट पुलट नहीं, बल्कि उसने डैम का पानी पूरे शहर में फैला दिया, जिससे वहां बाढ़ आ गई, घर डूब गए, लोगों की जाने चली गई, तो इस वजह से मार्केट के साथ ये सब हो गया। और अब लॉर्ड्स बिल्कुल ऐसा ही करके दूसरे शहर के साथ भी ये सब करने वाला है, जिसमें लॉर्ड के साथ एक और काफी बड़े माफिया भी शामिल है, और ये काम वो दोनों अगले 2 महीने में अंजाम देंगे। वो लॉर्ड्स उस माफिया को पहले पेमेंट करेगा, और वो पैसे नहीं सोना होगा, वो भी 1 या 2 किलो नहीं, पूरे 10 टन। और अब उनकी स्टील को तोड़ने और पेमेंट रुकवाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो ऑफिसर बताता है कि हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है जो चोरों की तरह सोचकर चोरों को पकड़ सके। जाहिर है इस काम के लिए हमें किसी मास्टरमाइंड चोर की जरूरत है, और वो कौन है तुम अच्छे से जानती हो।
साइरस, जिस पर एवी फौरन बोली, नो 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 सर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हैं मैं साइरस के पास जाकर उससे मदद मांगूं और वो हमारी मदद करने को तैयार हो जाएगा? कभी नहीं, ऐसा नामुमकिन है। ये तब ऑफिसर कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके उसको मनाना होगा ताकि हम लॉर्ड्स को रोक सकें। इस पर एबी मान गई। वो फौरन पहुंच जाती है साइरस के पास। यहाँ दोनों एक दूसरे को ही दोष देने लगते हैं कि तुमने धोखा दिया और तुमने दिया। पर आखिर में बात खत्म करके साइरस उसके आने की वजह पूछता है, जिस पर एबी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी होगी, और वो सारी बातें बता देती है जो एबी को उस ऑफिसर ने बताई थी। फिर वो कहती है कि तुम्हें वो सारा सोना चोरी करना होगा, जिसके बाद साइरस ये सारी बातें अपने साथियों को भी बताता है। उसके साथी चौंक गए। साइरस उनसे कहता है कि समझ सकता हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो लोग अपने प्लान में कामयाब रहे तो पूरा शहर बाढ़ में डूब जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मासूम लोग मारे जाएंगे। और अब बारी बारी सारे लोग पता लगवाने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर लॉर्ड्स और वो माफिया ये प्लान अंजाम कैसे देंगे। पता चला कि वो सारा सोना सबसे पहले लॉर्ड्स के अड्डे से निकलेगा, फिर ट्रक्स के जरिए वहां ले जाया जाएगा, जिसके बाद वो प्लेन के जरिए उसकी मंजिल तक भेजा जाएगा। इसलिए अब यहाँ साइरस और उसकी टीम अपने अपने कामों में लग जाती है कि वो कैसे अपना मिशन अंजाम देंगे। यहाँ सबसे पहले हैकर बताती है कि अगर हम बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला प्लेन बना लें तो चोरी करना आसान हो जाएगा, पर सवाल ये था कि वैसा प्लेन आएगा कहां से। इस पर साइरस कहता है कि मैं नीलामी घर में एक अमीर लड़के से मिला था जो प्लेन्स के लेन देन का काम करता है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है जो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, जिसे हम खुद तब्दील करके वैसा बना सकते हैं, तो हो सकता है कि वो हमें प्लेन दे दे। इसलिए अब ये सारे लोग उस प्लेन डीलर के पास पहुंच जाते हैं, जो इन्हें वही आलीशान प्लेन दिखाता है। ये काफी खूबसूरत भी था, लेकिन इसे उड़ाना मना था क्योंकि इसमें कई सारे LED ग्लास लगे हुए थे, साथ ही बहुत ज्यादा शोर भी था। इसलिए डीलर अपना प्लेन देने से मना कर देता है, लेकिन एबी उसे ये बता देती है कि मैं पुलिस वाली हूँ और इस तरह के प्लेन्स रखना वैसे भी गैरकानूनी है, और अगर तुमने ये हमें ना दिया तो जेल की हवा तो तुम खाओगे ही, जिस पर आखिर में वो मान जाता है। अब प्लेन तो मिल गया था, तो इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये रडार पर हेरा फेरी कैसे करेंगे, जिसके लिए इन्हें बनाना होगा PSI, जो इस तरह के सिग्नल्स बनाएगा जिससे हालांकि हवा में दो ही प्लेन्स उड़ रहे होंगे मगर वो सिग्नल सिर्फ एक ही प्लेन दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सी दिक्कत ये थी, मतलब जब इन दोनों प्लेन्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ वक्त के लिए रडार पर ये दोनों प्लेन्स नजर आएंगे, जो हेडक्वार्टर में बैठे बैठे हुए लोग देख लेंगे। इसलिए इन्हें वहां अपने किसी खास आदमी को बैठाना था, जिस पर ये भी कहती है कि एयरपोर्ट पर मैं एक ऑफिसर को जानती हूं जो मेरा दोस्त है, वो हेडक्वार्टर में ही बैठा होता है तो वो हमारा काम वो कर देगा। इसलिए ये अब उस ऑफिसर से जाकर मिले जो व्हील चेयर पर था, इसलिए इन्होंने अपनी बात रखी, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है कि सॉरी, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें चोर शामिल है। ये सुनने के बाद साइरस उससे कहता है कि मैं इस काम के बदले तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, जिसके लिए वो ऑफिसर अब मान गया था। तो ये सारी टीम अपने अपने कामों पर लग जाती है और इस प्लेन को ये लोग बदलने में लग जाते हैं, मतलब कि रंग वगैरह इसको बदलते हैं ताकि ये दूसरे प्लेन्स की तरह लगने लगे। जिसके बाद PSI की मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल्स में हेराफेरी करेगी, पर उसका साइज बड़ा लग रहा था और वो किसी बॉम्ब से कम नहीं लग रही थी। इसलिए एबी हैकर को कहती है कि ऐसा करो, इस PSI मशीन के छोटे छोटे कई सारे हिस्से बना दो जो हर एक मेंबर को दे दिया जाएगा, इस तरह काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हैकर मान गई और काफी मेहनत करने के बाद वो PSI मशीन को अलग अलग हिस्सों में बांट देती है, जिसके बाद आखिरकार इसका फाइनल दिन आ जाता है, जहां सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाते हैं। इन्होंने आधे टिकट बिजनेस क्लास के लिए थे तो आधे इकोनॉमी क्लास के, ताकि ये पूरे ही प्लेन में फैल जाएं। पता चलता है कि लॉर्ड्स के 2 गुंडे बिजनेस में तो 3 इकोनॉमी क्लास में, जबकि सबसे नीचे था 10 टन सोना। जिसके बाद ये पूरी टीम अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। हैकर्स ने सभी कैमरास को हैक कर लिया था ताकि हर चीज पर नजर रखी जा सके, जबकि लॉक मास्टर ने अपने हिस्से की PSI मशीन बाथरूम में जाकर लगा भी दी थी। इनका एक साथ ही डर गया था, इसलिए वो साथ नहीं आया था। तब उसके हिस्से का काम एबी को करना था। वो अपने बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाकर दूसरी PSI मशीन को वहां लगाने लगती है, पर तभी एक झटका लगने की वजह से वो मशीन टूट छूट कर नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है। उसके कई सारे टुकड़े हो गए थे, जिससे एबी काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि कैसे भी करके दोबारा उस मशीन को जोड़कर वो वहां लगाना चाहती थी। मगर अब गुंडे भी वॉशरूम में आना चाहते थे और अगर उन्होंने ये देख लिया तो इनका प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ठीक वक्त पर साइरस आ गया था और अब ये दोनों मिलकर मशीन को जोड़कर वहां लगा देते हैं।
जबकि पायलट अपनी होशियारी से अपने वाले प्लेन को उड़ाकर उस बड़े वाले प्लेन के नीचे ले आती है। साथ ही पीएसआई के एक्टिवेट होने का इंतजार करने लगती है ताकि दोनों प्लेन्स की रडार का एक ही सिग्नल मिल जाए। इसलिए अभी हेडक्वार्टर्स की रडार में दो ही प्लेन्स के सिग्नल आ रहे थे, जो देखकर एयरपोर्ट ऑफिसर की साथी कहती है कि हमें इस बारे में ऊपर खबर कर देनी चाहिए। जिस पर वो ऑफिसर यानी एबी का साथी जवाब देता है कि ये मामूली सी खराबी होगी, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो उसे अपनी बातों में उलझा लेता है। जिस बीच पीएसआई के एक्टिवेट होते ही पायलट अपने वाले प्लेन को दूसरे प्लेन से कनेक्ट कर लेती है। ऐसा होते ही सिग्नल्स मिलने लगे, जिससे अब रडार पर बस एक ही प्लेन नजर आने लगता है। तब ऑफिसर अपने साथी को कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना, ये खराबी है, लो अब ठीक भी हो गई। अब उधर लॉक मास्टर नीचे अप वाले एरिया में पहुंचता है, जहां सोने वाली तिजोरी पड़ी हुई थी। वो अपनी हाईटेक मशीन की तिजोरी पर लगाकर उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बीच गुंडे को शक हुआ, इसलिए वो अपने सोने तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। इस बात की खबर जैसे साइरस को हुई, वो उन्हें रोकने में लग जाता है, जिससे उन सब चोरों की लॉर्ड्स के गुंडों से लड़ाई शुरू हो जाती है। इनकी जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। चलते हुए प्लेन में ये लोग लड़ रहे थे, अब इन्हें झटके लगने की वजह से पायलट को लगता है जैसे प्लेन में कोई गड़बड़ी है, इसलिए वो फौरन हेडक्वार्टर में खबर करता है। तभी एबी का साथी ऑफिसर से कहता है कि मौसम खराब है, इसलिए आपको पास के हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना होगा। तब उसकी बात मानकर पायलट प्लेन को उतारने लगता है, पर ये जगह प्लेन को लैंड करने के लिए छोटी थी, जिस वजह से उसे हालांकि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो जैसे तैसे प्लेन को उस छोटे से हवाई अड्डे पर उतार लेता है। इसलिए अब साइरस की पायलट साथी भी प्लेन को वहां लैंड करवा देती है, पर इस बात का लॉर्ड्स को पता चल गया था कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। जहां उसे लैंड करवाना था, वहां होने की बजाय वो कहीं और करवा दिया गया है। इसे लॉर्ड्स अपने साथियों को कहता है कि जिसने भी मेरे सोने को मुझ तक पहुंचने से रोका है, उसे खत्म कर दो, फिर मेरे पास लेकर आओ। उधर लॉक मास्टर साइरस से माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं टाइम के अंदर अंदर लॉक तोड़कर सोना नहीं चुरा पाया। अब ये सोना गुंडों और इनके हेड माफिया लॉर्ड्स के हाथ लग जाएगा और ये अपनी खतरनाक डील कर लेंगे। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए गुंडों के साथ सोने समेत ये लॉर्ड्स के पास जाने लगते हैं। इन्हें प्लेन के जरिए इनकी पायलट ही ले जा रही थी। उधर लॉर्ड्स के पास वो माफिया भी आ जाती है। वो चाहती थी कि डील होते ही जल्दी से जल्दी शहर में बाढ़ आ जाए, ताकि मार्केट के शेयर्स ऊपर नीचे होने से दोनों को ही फायदा हो। लेकिन उस माफिया को भी पता चल गया था कि जिस प्लेन के जरिए इनका सोना आ रहा था, वो हाईजैक हो गया है। लॉर्ड्स उसे समझाता है कि मेरे आदमियों ने अब उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है, माल आपको मिल जाएगा, बस डील को कैसे भी करके आज के आज ही फाइनल करें। उधर प्लेन में अभी भी लड़ाई हो रही थी, जिस वजह से पीएसआई के सारे हिस्से बर्बाद हो गए थे। ऐसा होने से अब हेडक्वार्टर के रडार में दोनों प्लेन्स दिखने लगते हैं। तब प्लेन्स को ट्रेस करके गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे भेज देती है हमला करने के लिए। लेकिन यह साइरस और पायलट अपना दिमाग लगाते हैं, वो प्लेन को उल्टा करके लिख देते हैं कि इसके अंदर लोग हैं, इसलिए हमला ना किया जाए। इसलिए फिलहाल वो फाइटर जेट्स उन पर हमला नहीं करते, बल्कि उनका पीछा करने लगते हैं, ताकि जब ये प्लेन लैंड हो तो पुलिस वहां जाकर किसी भी हाल को हैंडल कर सके। जिसके बाद अब ये प्लेन लैंड होता है लॉर्ड्स के महल के ग्राउंड में, जो उसके आलिशान घर को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ने लगता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो सिक्योरिटी दीवार को तोड़ते हुए प्लेन अंदर जाने लगा था। ऐसा होते ही सारा का सारा सोना भी निकल कर बाहर गिर जाता है। ये देखकर माफिया लॉर्ड्स को कहती है कि अब तो मैं सारा सोना भी ले लूंगी, साथ ही हमारी डील भी कैंसिल, जो कहकर वो यहां से जाने लगी थी। पर लॉर्ड, जिसे अब गुस्सा आ गया था, उसे शूट करके मार देता है। अब तभी यहां पुलिस आ गई थी, जो इनका पीछा कर रही थी। वो इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस जैसे ही लॉर्ड्स को पकड़ने लगती है, वो कहता है कि ये मेरा अपना घर है और ये चोर यहां आए हैं उस माफिया औरत के साथ डील करने के लिए। असली गुनाहगार माफिया ये हैं, इन्होंने ही उस माफिया औरत को मारा है और आप इन्हें पकड़ कर ले जाएं। पर यहां पर साइरस अपना दिमाग लगाता है। वो प्लेन की एलईडी ग्लास और एनएफटी क्रिएशन की रिकॉर्डिंग से पुलिस को यह दिखाता है कि असली गुनाहगार लॉर्ड्स माफिया ही है। इसने ही औरत माफिया से सोने की डील की, पूरे शहर को बर्बाद करने की प्लानिंग की, इसलिए लॉर्ड्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस मिशन में एबी और लंदन का एक ऑफिसर भी शामिल था, जिनका मकसद इस डील को रोकना था। तो इसमें कामयाब होने की वजह से वो सारा सोना पुलिस अपने साथ ले जाती है। एबी अब साइरस की टीम का हिस्सा बन जाती है। यहाँ पता चलता है कि एबी जब बच्ची थी तो उसे एक पेंटिंग काफी पसंद आ गई थी, जो अब साइरस उसे गिफ्ट करने का सोचता है, ताकि एबी उससे प्यार करे और ये लोग फिर से एक हो जाएं। जिसके बाद यहाँ सबसे बड़ी बात सामने आती है, असल में लॉक मास्टर ने सारा सोना वहां से निकाल दिया था। वहां असली सोने की बजाय उसने नकली सोना रख दिया था।
और ऐसा बिहेव किया जैसे वो तिजोरी तोड़ने में कामयाब ही नहीं हुआ। यानी कि जो सोना पुलिस के हाथ में था वो सिर्फ सोने जैसे दिखने वाली लोहे की ईंटें थी, जबकि असली सोना तो उसी वक्त आसमान से गायब कर दिया गया था और ये लोग उसे अपने ठिकाने पर भिजवा चुके थे। यानी ये चोर एक बार फिर अपने मास्टरमाइंड की वजह से इतनी बड़ी चोरी अंजाम देने में कामयाब रहे थे। ये लोग फिर अपना सोना लेने के लिए जाते हैं, सब इतनी बड़ी कामयाबी पर एक दूसरे के गले मिलते हैं जिनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।